हेलो गाइस, आज हम बताएंगे कि ब्लेंडर में 2D इमेज को 3D में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। सबसे पहले हम यहाँ पे आएंगे फेस बिल्डअप पे। ये फेस बिल्डर है, इसमें क्रिएट हेड करते यहाँ ये डाउनलोड करना पड़ता है। डाउनलोड करने के बाद यहाँ से इंस्टॉल किया जाता है। ये प्रेफरेंस यहाँ से इंस्टॉल किया जाता है। तो फिलहाल मैं इंस्टॉल करना नहीं बताऊँगा, मैं कैसे इसमें बनाते हैं वो मैं बताऊँगा। यहाँ कि क्रिएट न्यू हेड करेंगे, मेरे पास एक फेस यहाँ पे एक हेड आ गया। अब इसमें हमको कोई सा भी हम बनाएंगे तो इसमें हम इमेज डाउनलोड करके रखे हुए हैं उसका इस्तेमाल करेंगे। इसमें हम पहले लेते हैं फ्रंट का। हमने फ्रंट का लिया और हम फिर से अब हम साइड का लेंगे। हमने साइड का लिया और एक इमेज लेंगे। हमने यहाँ पे तीन इमेज ले लिए। अब इसका इसको हमको अब इसका अकॉर्डिंग करना है। ठीक है, चलो करते हैं। मैन्युअली एडजस्ट करना पड़ता है ये। उसका लेते हैं, थोड़ा आराम से मैनुअली करना पड़ता है। धीरे हम एक साइड करेंगे, फिर दूसरी साइड करेंगे, फिर तीसरी साइड करेंगे। इसमें हमें आसानी होता है मॉडलिंग करने में। थोड़ी सी एडजस्ट कर लेते हैं यहाँ पे और आई के पास भी थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं यहाँ पे। नोस एडजस्ट कर लेते हैं, ये ठीक है। मेरा एक हो गया, अब हम दूसरी करेंगे। हम यहां से पकड़ेंगे इसको, यहाँ का पास, ठीक है, ये भी यहाँ ठीक है। ठीक है, उसका हेयर का पास रखेंगे यहाँ पे।
थोड़ी सी एडजस्ट करना पड़ेगा अपने से। चलिए, ये साइड मेरा कंप्लीट हो गया, अब दूसरे साइड हम करते हैं। इसको माउस ले जाएंगे, ठीक है। ठीक है, ये भी यहाँ पे ले जाने के बाद खुद ब खुद वो एडजस्ट कर लेता है अपने आप इधर उधर करने से। इसमें उतना टेंशन लेने की बात नहीं है। मेरा इधर भी हो गया। अभी इसको हमको टेक्सचर मिला, इसमें इसका अंदर जैसे ये जो मेरा हेड है इसका अंदर वो टेक्सचर आ जाए जिस तरह हमने एडजस्ट किया हो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जाएंगे टेक्सचर में, टेक्सचर के बाद यहाँ पे जाएंगे हम क्रिएट टेक्सचरिंग। यहाँ पे जाने के बाद हम फिर ओके कर देंगे। कुछ टाइम लेगा यहाँ पे ये करने में। देखो मेरे पास आ गया यहाँ पे एडजस्ट। इमेज अलग अलग तरह का था इसीलिए
हम यहाँ से नीचे से नहीं किए थे, इसलिए ये नीचे से ऐसा आया। हमने एक साइड किया था और एक साइड नहीं किए थे, इसीलिए ऐसा आया। इस तरह से हम आसानी से मना सकते हैं फेस बिल्डर से।